हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुनः उपस्थित हैं आपकी प्रश्नावली 2.1 के साथ। ठीक है ना, कल की वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 2 की बेसिक थ्योरी कराई थी। आज के वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 2.1 कराता हूँ। ठीक है ना, ये जहां तक सॉल्व होगी वहां तक अपन इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चनों को आपको करना है, कुछ क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो मैंने आपको सारे फॉर्मूले दिए थे, उनका आप स्क्रीनशॉट लेके और एक जगह कॉपी में लिखकर उन फॉर्मूलों को याद करें, उसके बाद इन सवालों को करें। ठीक है, तो देखिए यहां से आपकी प्रश्नावली शुरू हो रही है, प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर फर्स्ट का ए क्या कह रहा है। सबसे पहला मान है आपका साइन वर्स एक, मान है आपका साइन इनवर्स एक, इसे आप लेते हैं थीटा के बराबर। के बराबर थीटा, थीटा बराबर है यहाँ पर आपका साइन वर्स एक। तो ये साइन वर्स एक का मान कैसे निकाला जाएगा ये अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप, साइन वर्स एक, तो साइन वर्स एक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स, और एक जो होता है वो मान होता है आपका साइन पाई बाय टू के, यानी साइन 90 के। तो साइन से साइन इनवर्स आपका खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर बचेगा आपका पाई बाय टू। थीटा क्या बचेगा आपका, पाई बाय टू यानी 90। और जो साइन जो हमने पढ़ा था वो हमने कल पढ़ा था किसके बीच में होता है आपका, माइनस पाई बाय टू से और प्लस पाई बाय टू के मध्य में। तो ये आपका यहाँ पर जो मान है पाई बाय टू, इसके बराबर आपको प्राप्त होता है। क्लियर है यहां तक, इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। इसमें कुल 6 क्वेश्चन है जिनमें से 3 मैं कराऊंगा और 3 आपको करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, देखो अपने पास एक कल फॉर्मूला था कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस सीटा, कॉस इनवर्स माइनस सीटा बराबर होता है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स सीटा। ठीक है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस वाले पद को लिख सकते हैं आप पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में 1/2, साइन 30 का तो कॉस 60 का, तो कॉस 60 का मतलब होगा यहां पर आपका कॉस पाई बाई 3। कॉस से कॉस इनवर्स खत्म, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर हो जाएगा आपका 2π/3। 2π/3 का मतलब हो गया आपका 120, कितना हो गया आपका 120। और ये जो कॉस का मान होता है ये मैंने आपको कल बताया था, कॉस का मान होता है 0 और पाई के मध्य में। क्या होता है ये मान आपका, 0 और पाई के मध्य में। क्लियर है यहां तक, आ रही है ना समझ में, माइनस वाले कैसे सॉल्व करने हैं और प्लस वाले आपके डायरेक्ट हो ही जाएंगे, प्लस वाले तो सारे प्रथम में आएंगे ही आएंगे, माइनस वाले बस आपको देखना है कि जब आपको कॉस लेंगे तो वो अपन पाई माइनस के हिसाब से निकालेंगे, और जब साइन और टेन आएगा तो वो माइनस डायरेक्टली आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3rd में आपके लिए छोड़ रहा हूं, 4th भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, 4th आपको मैं करा रहा हूं। ठीक है ना, देखिए 4th है आपका कोसेक इनवर्स माइनस 1, क्या है आपका कोसेक इनवर्स माइनस 1, कोसेक इनवर्स माइनस 1। अब देखिए कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या लिखाया था मैंने आपको, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा था आपने, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के, भाई के बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के। तो इसको लिखेंगे आप बराबर माइनस कोसेक इनवर्स ए, माइनस कोसेक इनवर्स। अब एक जो मान होता है वो किसका होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक का मान, तो साइन 90 का मान कितना होता है एक, तो एक का उल्टा यानी 1/1 भी क्या होता है एक, तो कोसेक 90 का मान भी कितना होता है एक। तो यहां पर लिखेंगे इसे आप कोसेक पाई बाई 2, कोसेक से कोसेक इनवर्स कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा माइनस के पाई बाई 2, क्या है आपका माइनस के पाई बाई 2। इसका जो मुख्य मान होता है
इसका मुख्य मान क्या होता था आपका माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के मध्य में, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के मध्य में होता था, तो वो मान आपका यहाँ पर प्राप्त होता है। क्लियर है यहां तक? आगे समझ में आपको? इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें आपके तीन मैंने करा दिए, तीन आपको करने हैं और ये आपको करके मुझे दिखाने हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है आपका टू टेन वर्स एक बटे दो माइनस टेन वर्स एक बटे सात बराबर प्रूफ करना है आपको पाई बाई फोर के। टू टेन वर्स एक बटे दो माइनस टेन वर्स एक बटे सात बराबर प्रूफ करना है आपको पाई के पाई बाई फोर के। ये मान आपको पाई बाई फोर के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए, अपन ने कल आपको फॉर्मूला लगाया था, एक फॉर्मूला था आपका टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई का, टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई का, एक फॉर्मूला था आपका टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का, और एक फॉर्मूला था आपका टू टेन वर्स एक्स का। तो देखिए, सबसे पहले इस वाले पद में अपन लगाएंगे टू टेन वर्स एक्स का फॉर्मूला, कौन सा, टू टेन वर्स एक्स का। तो टू टेन वर्स एक्स का फॉर्मूला कैसा लगेगा, टू टेन वर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा टू टेन वर्स एक्स बराबर होता है आपका, टू टेन वर्स एक्स बराबर होता है आपका टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे लिखेंगे आप टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के एक बटे चार, माइनस टेन इनवर्स एक बटे सात, ठीक है, बराबर टेन इनवर्स टू से टू कैंसिल, वन अपॉन एक माइनस एक बटे चार, ये हो गया आपका तीन बटे चार, माइनस टेन इनवर्स एक बटे सात बराबर होगा आपका टेन इनवर्स चार बटे तीन माइनस टेन इनवर्स एक बटे सात। क्लियर है तक? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। कल फिर फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया था क्या, कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई ये बराबर होता है आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लेंगे इसके अंदर आपके, ये बराबर होगा आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई, टेन वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ये बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 21 आपका लेस आ जाएगा सचौक 28 माइनस तीन, ये आपका 21 प्लस चार, ठीक है ना, जो आपका लेस था 21 ये आपका दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आया आपका 25 और नीचे भी क्या आया आपका 25, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बराबर टेन इनवर्स एक। और टेन वर्स एक जो होता है वो किसका मान होता है, इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, टेन वर्स इसको लिखेंगे आप टेन पाई बाई फोर, टेन से टेन वर्स कैंसिल, कितना है आपका पाई बाई फोर, यही यहाँ पर आपका आंसर है। क्लियर है तक? मुझे उम्मीद है आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आ रही होगी। जब तक आप इन फॉर्मुलों को याद नहीं करेंगे, कंटेस्ट नहीं करेंगे, आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। यदि आपके फॉर्मूले कंटेस्ट होने लग गए तो आपको ये सवाल एकदम क्लियरली समझ में आएंगे, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला का खेल है, सोचना होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन, इसी के बेस का सवाल है, बहुत सरल सवाल है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है ना। आगे देखिए, अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चार है आपका कॉस इनवर्स 63 बटे 65 प्लस टू टेन वर्स 1 बटे 5
बराबर प्रूफ करना है आपको साइन इनवर्स 3/5 के, ठीक है। ये मान आपको यहां पर सिद्ध करना है, ठीक है, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल सवाल है, कोई कठिन नहीं है आपका। देखिए ये मान आपको साइन के रूप में ले जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स को आप ऐसे ही रहने दो, टू टेन वर्स एक्स का एक कॉस वाला फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना, जिसको मैं आपको उसमें नहीं लिखा पाया हूं, लेकिन यहां पर लिख लेना आप कि टू टेन वर्स एक्स बराबर होता है आपका कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² टू टेन वर्स एक्स बराबर होता है आपका कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² एलएचएस साइड है, प्रूफ करने वाला सवाल है, एलएचएस साइड ले रहे हैं अपन। एक चीज और ध्यान रखना, जब प्रूफ करने वाले सवाल है तो आपको पर्टिकुलर एलएचएस या आरएचएस दोनों को अलग अलग लेना है। जब कोई मान निकलवाना है, हल करवा रहा है, एक्स का मान निकलवा रहा है, तो दोनों पदों का उपयोग करके आपको इसे हल करना है। तो ये आया आपका कॉस इनवर्स 63/65, 2 tan inverse x का कॉस के रूप में फॉर्मूला निकलेगा, ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x², क्लियर है तब। कॉस इनवर्स 63/65 + कॉस इनवर्स 25 ले से आ जाएगा, 25 - 1 ये हो जाएगा आपका 24 और नीचे आ जाएगा आपका 24/26। इसको और क्लियर करेंगे अपन, कॉस इनवर्स 63/65 + कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है ना, ये यहां पर मान आपका प्राप्त हो जाता है। अब आप इन दोनों को टेन में बदल सकते हैं, tan inverse x + tan inverse y का फॉर्मूला लगाए, cos inverse x प्लस cos inverse y के फॉर्मेट में दे रखे हैं, आप डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं। इन दोनों को आप साइन में भी बदल सकते हैं, ठीक है ना, जिस भी रूप में आप बदलना चाहें उसमें आप इनको बदल सकते हैं, क्लियर है यहां तक। तो देखिए, जब अपन को मान साइन में है तो आप इन्हें साइन में बदलना चाहे तो बदल लो, या कॉस में ही डायरेक्ट हल करके, कॉस के मान में आप इसे डायरेक्टली हल करके जो लास्ट में मान आएगा उस मान को भी आप साइन में बदल सकते हैं। तो इसको अपन कॉस के फॉर्मेट में ही हल कर रहे हैं। कॉस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कल, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई -√1 - x² √1 - y² तो ये आपका हो जाएगा बराबर cos inverse xy -√1 - x² 63/65 का होल स्क्वायर √1 - 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आ रही होगी, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रही होगी। अब यहां से आपकी कैलकुलेशन बचती है, इस कैलकुलेशन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, डायरेक्टली सॉल्व करना, आपका मान यहां पर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, इनका वर्क करके आपको निकालना है, कोई आसान चीज है, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन वीडियो आपकी लंबी होगी इसलिए इस कैलकुलेशन को मैं आपके लिए यहां पर छोड़ रहा हूं। आइए देखिए, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूफ करवा रहा है आपसे sec² tan inverse 2 cosec² cot inverse 3 sec² tan inverse 2 cosec² cot inverse 3 ये मान आपको सिद्ध करना है काय के बराबर, 15 के बराबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों मानों को यहां पर आप क्रमशः
थीटा और फाई मान लीजिए, ठीक है, ध्यान देना। टेन वर्स टू बराबर है आपके थीटा के और कॉट इनवर्स तीन बराबर है आपका, ठीक है। आ रही है समझ में, आया तक आपको कोई प्रॉब्लम? देखो भाई, ये इधर जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा दो, कॉट फाइव बराबर हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है काहे के, टेन थीटा बराबर होता है आपका क्या, लंब बटे आधार, दो लंब एक आधार, एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर चार और एक पांच, अंडर रूट पांच। कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब, आधार आपका तीन, लंब आपका एक, कर्ण हो जाएगा आपका रूट। सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर फाइव। सेक थीटा बराबर होता है काहे के, सेक थीटा काहे के बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार रूट पांच बटे एक। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब रूट टेन बटे एक का होल स्क्वायर, पांच प्लस दस, ये मान आपका उसके बराबर सिद्ध होता है। वेरी इजी प्रोसेस। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें यहां पर समझ में आ रही होंगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, यहां पर ये सारा मैटर आपके सूत्रों के ऊपर डिपेंड करता है। आपको सूत्र जितने अच्छी तरीके से याद होंगे, आपके सवाल उतने ही बढ़िया तरीके से सॉल्व होंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो आपका टेन के फॉर्मूले हैं, जो मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताया था कि आपको इनको फॉर्मूलों के हिसाब से सिद्ध करना है, वो आपके यहाँ पर दे रखे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिए। टू टेन वर्स एक्स बराबर है आपका साइन वर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मान आपको यहां पर इनके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है, ध्यान देना। चूंकि साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो टेंथ क्लास सॉरी इलेवंथ क्लास में हमने पढ़ा था, टेन के रूप में क्या होता है वो फॉर्मूला आपका, वो होता है आपका टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉस टू थीटा होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है आपका वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ये दोनों फॉर्मूले आपके क्लास टेंथ के फॉर्मूले हैं, ये मैं आपको प्रूफ करके भी बता चुका हूं कि ये फॉर्मूले वहां पर कैसे आए हैं, ठीक है ना, एक बार देखिएगा वहां से। यहां पर अपन लिखेंगे माना टेन थीटा बराबर एक्स, जो टेन थीटा है वो टेन थीटा का के बराबर है आपका एक्स, साइन टू थीटा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस टू थीटा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे। टू थीटा बराबर होगा आपका साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू थीटा बराबर होगा आपका कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? थीटा जो होगा वो थीटा का मान यहां से लिया जाएगा, थीटा का मान बन जाएगा आपका टेन वर्स एक्स, तो टू टेन वर्स एक्स साइन वर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू टेन वर्स एक्स कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस, टू टेन वर्स एक्स का मान साइन के फॉर्मेट में, टू टेन वर्स एक्स का मान कॉस के फॉर्मेट में, ये दोनों मान आपके यहां पर प्रूव करवा रहा था। इजी वे में आप इसको यहां पर सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? क्योंकि आपकी कल वीडियो शाम तक आई थी, हो सकता है आपके फॉर्मूले थोड़ा कम याद हुए हों, तो आज हम हमारी वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करके यहीं तक बनाते हैं। कल इस वीडियो को थोड़ा और लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना, करीब 35-40 मिनट की वीडियो बनाएंगे, प्रश्नावली दो को और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज जितने सवाल मैंने आपको यहां तक कराए हैं आप इन्हें कंप्लीट कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपसे कह चुका हूं आप मुझे हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को सेंड कीजिए। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।